सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूँ आपका न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। एक पहले भी पॉडकास्ट में बना चुका हूँ फजल भाई के साथ में, जिसमें हमने बताया था मार्केट में बर्ड की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, मार्केट किस तरह काम करता है, कैसे प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कैसे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। आज मैं फजल भाई के पास दोबारा आया हूँ, जुम्मा का दिन है माशाल्लाह, नमाज़ वगैरह पढ़ के खाना वाना खा के फजल भाई के पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। फजल भाई जैसे कि बहुत एक्सपर्ट इंसान कहूँगा इनको मैं, काफ़ी टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर साहब है, तो नॉलेज भरपूर है इनके पास में, स्टडीज़ के पर्पज़ से भी नॉलेज है और बर्ड्स के पर्पज़ से भी, मतलब जो जो हम कॉलेज वगैरह स्कूल में जो स्टडी करते हैं उसका भी नॉलेज और बर्ड्स की लाइन में भी भरपूर नॉलेज है इनके पास में। तो इनके पास आया हूँ, डिटेल में जानेंगे। आज का हमारा जो है टॉपिक होने वाला है हैंड फीड बर्ड्स को कैसे किया जाए, बर्ड्स के हैंड फीडिंग के बारे में ए टू जेड आज आपको सब जानने मिलेगा। 5 मेजर पॉइंट हम कवर करेंगे। मैं बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, पहली बार आप चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करके देखिए, वीडियो पसंद आता है और लास्ट में आपको लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं, फजल भाई से पहला सवाल हम लोग पूछते हैं। फजल भाई टॉपिक पे आता हूँ मैं, पहला सवाल आपसे पूछूंगा। सबसे पहला तो लोगों के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि ये हैंड फीड क्या होता है और बर्ड्स को हैंड फीड ये क्यों करवाते हैं, मतलब बर्ड जब उसका माँ बाप उसको ऑलरेडी ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर पाल रहे हैं, मटकी के अंदर वो बच्चे हैं, माँ बाप उनको खिला रहे हैं, तो हम हैंड फीड क्यों करें, बर्ड्स को हम माँ बाप के पास से क्यों छीन लें और क्यों हैंड फीड करवाएं हम? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का हुआ, और सवाल आपका जो है वो काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन सवाल है कि भाई हमें हैंड फीड पे क्यों लेना चाहिए। तो देखिए इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ख़ास बात, अगर मान लीजिए कि कोई बंदा ऐसा चाहता है कि भाई मुझे बर्ड को फ्री फ्लाइट टेम्ड करना, जैसे कि नॉर्मली अभी जो क्रेज़ चला है या जिस तरीके से बर्ड के साथ इंटरेक्शंस करना चाहता है, तो मान लीजिए बर्ड को ट्रेंड करना चाहता है, वो अपने साथ खेलना चाहता है बर्ड को, तो उसको हैंड फीड कराना कंपलसरी रहेगा। क्योंकि जब बच्चा छोटा होगा तभी से उसको फीड लेंगे, तभी वो आपके साथ इतना मानुस हो पाएगा, इतना जो है वो मैच्योर हो पाएगा आपके साथ, तो आपसे डरेगा नहीं। मान लीजिए कि वो अपने पेरेंट्स के पास ही बड़ा हुआ है, तो आप जब उसको बाहर बड़े होने के बाद आप उसको ट्रेन करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, वो बाइट करेगा, वो आपसे डरेगा, वो भागेगा, जैसे नॉर्मली वाइल्ड बर्ड जो होते हैं इस तरीके से। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भाई आपको अगर बर्ड को टेम्ड करना है तो उसको आपको हैंड फीड पे लेना होगा, ये आपकी मर्जी की बात आ गई। अब कुछ चांसेस, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जब आपको मजबूरन लेना पड़ता है। जी, जैसे फॉर एक एग्जांपल के भाई मान लीजिए कि भाई आपके बर्ड ने बहुत अच्छी ब्रीड करी है, 5 बच्चे 6 बच्चे निकाल के दिए हैं। अब ऐसे केस में क्या होगा कि कुछ पैर जो है वो ब्रीड तो कर लेते हैं, बच्चे निकाल भी लेते हैं, लेकिन सबको पाल नहीं पाते। नेचर होता है बर्ड का कि भाई जो सबसे बड़े वाले बच्चे हैं वो सबसे पहले खाना खाएंगे, पेरेंट्स के पास से सबसे पहले वही फीड मांगेंगे। तो होता क्या है कि नंबर नहीं आएगा, छोटे बच्चों को खिलाते खिलाते पेरेंट्स या तो थक जाते हैं या तो उनका नंबर ही नहीं आता, तो उस टाइम पे आपको हैंड फीड पे लेना कंपलसरी हो जाता है, चाहे आप सबसे बड़ा वाला बच्चा ले या सबसे छोटा वाला ले या तो सबको ले ले। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपके पास बर्ड है, आपने उसको आपको हैंड फीड पे लेने का अभी फिलहाल में कोई प्लान नहीं है, लेकिन एज एन इमरजेंसी या तो मेल की डेथ हो जाती है या फीमेल की डेथ हो जाती है, तब आप उसको कंपलसरी आपको उसको फीड पे लेना पड़ेगा। चांसेस है कुछ बर्ड्स जो है जैसे बजीज है, अगर मेल या फीमेल डेथ हो जाती है तो वो सिंगल पीस जो है वो पाल लेते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशंस है। अगर मान के चलिए 5 बच्चे तो वो नहीं पाल पाएगा, 2 बच्चे हैं वो पाल लेता है, अगर मेल हो फीमेल हो दोनों में से कोई भी, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको हैंड फीड पे लेना है। या फिर तो इन द केस कभी सीवियर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ गई और मेल या फीमेल बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको उनको हैंड फीड पे लेना है और पेरेंट्स को डॉक्टर केज में हॉस्पिटल केज में डाल के उनके ट्रीटमेंट अलग से चालू करने हैं आपको। या फिर तो अगर आप कॉलोनी में ब्रीड करा रहे हैं तो कॉलोनी में ब्रीड कराने के वक्त क्या होता है, कभी कभी पैर जो है वो बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको उनको हैंड फीड पे ही लेना पड़ेगा। काफ़ी सारे सिचुएशंस हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारी सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर बर्ड को हैंड फीड पे लेना हमें कंपलसरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि आप हैंड फीड पे लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन हैंड फीड पे लेने से पहले उसका पूरा पूरा नॉलेज लीजिए, क्योंकि आप एक बर्ड को हैंड फीड पे ले रहे हो, वो बर्ड भी एक जानदार चीज़ है, जानदार चीज़ है, वो जान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आप यही एपिसोड में डिटेल पता चलेगा आपको, पूरा एपिसोड देखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, वो जिम्मेदारी,
ठीक है, भले वो एक बर्ड है लेकिन वो है एक जान, ठीक है, तो आपको वो आपकी जवाबदारी में आता है अगर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो, ठीक है। आप अगर कुछ चीज़ों के शौकीन है कि भाई मुझे तो बाहर घूमना बहुत पसंद है, इधर जाना पसंद है, उधर वो सब चीज़ें अगर आपके अंदर है आप छोड़ दीजिए, आपका काम नहीं है फिर, क्योंकि टाइम पे अगर नहीं पहुंचेंगे बर्ड को खाना नहीं खिलाएंगे वो मर जाएगा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड है। आप जब तक आके उसको इंजेक्शन से खिलाओगे नहीं तब तक उसको फीड नहीं मिलने वाला। आप कहीं घूमने चले गए दो दिन, घर में कोई नहीं है आपके, आने तक तो वो बच्चा मर भी चुका होगा। तो बहुत ज़्यादा घूमते हो आप, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो प्लीज़ ये उसको आप अवॉइड करिए, आप हैंड फीड में मत उठाइए। बिल्कुल, तो ये हो गए सिचुएशन। खास मुझे याद आ रही है एक सिचुएशन, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले बता दूँ, बर्ड को हैंड फीड पे उठाना, उसके माँ बाप के पास से बॉक्स में से निकालना, ये एक मतलब क्रूरता नहीं है, ये हम उनके एक रहम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वहाँ पर जिस तरह जो फजल भाई ने पॉइंट बताया, अगर वैसा रहेगा तो वो बच्चा बॉक्स के अंदर मर जाएगा, तो बेटर है आप उसको हैंड फीड पे उठा लीजिए। एक और पॉइंट मुझे खास यहाँ पे याद आ रहा है कि अगर पैर जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ब्रीडिंग के लिए उत्सुक होती है, एक बार अंडे लेकर देती है, बच्चे निकालती है, अब बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ उसके पहले दोबारा अंडे रख देती है वो, क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत होती है, वो ब्रीडिंग करना चाहती है, तो वो अंडों को फिर से अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे उनको सेकने के लिए ये जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं वो बच्चों को भी पैर कभी कभी मारना स्टार्ट कर देती है, उनका सर फोड़ देती है। ऐसा करते हर पैर नहीं करती, कुछ कुछ पैर करती है, वो केस में भी आपको हैंड फीड पे उठाना पड़ता है बर्ड को। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जो पहला पॉइंट हमने कवर किया बर्ड को हैंड फीड पे क्यों उठाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ पहला सवाल का सही सही जवाब हमने दे दिया होगा, आप संतुष्ट हो चुके होंगे। दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फजल भाई, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कितनी एज के बच्चे को हैंड फीड पे उठाना चाहिए, वो कितने दिन का होना चाहिए। इसमें आप अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें, बजीज को इतने दिन, लोबर्ट को इतने दिन, कॉकटेल कनूर वगैरह इतने दिन, अफ्रीकन ग्रे कितने दिन, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले कितने दिन का बच्चा जो हैंड फीड पे उठाना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादा अगर नहीं बताऊं तो मैंने आज तक का कुछ हज़ार बच्चे हैंड फीड से बड़े करे हैं, कुछ हज़ार, ठीक है, हाँ, तो हैंड फीड पे मेरे से बड़े हुए, लेकिन मैं फिर भी अभी बोलता हूं कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने आप को इसका स्टूडेंट ही मान रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है। अलग अलग बर्ड्स की जो अलग अलग स्पीसीज़ है उसके हिसाब से आपको बर्ड को अलग अलग एज के ऊपर उठाना चाहिए। अब इसमें दिन से ज़्यादा बेहतर है कि हम बर्ड की कंडीशन के ऊपर जाएं। मान लीजिए कि अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई बजीज को आप 12 दिन के ऊपर 13 दिन के ऊपर उठा लीजिए, ठीक है, तो अब हर बर्ड की कंडीशन अलग होती है। कुछ बर्ड्स आप देखेंगे जिनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, कुछ बर्ड्स का ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, माँ बाप ने कम ज़्यादा खिलाया होता है वो। बिल्कुल, हाँ, तो उनके ग्रोथ के हिसाब से आप अगर आप बर्ड की कंडीशन पे आप उसको हैंड फीड पे लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीन नंबर टू के मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी आ गई, जैसे अभी हमने फर्स्ट इसके पहले वाले टॉपिक में बात की कि इमरजेंसी आ गई तो आपको जो भी एज है उस पर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जब अपनी मर्जी से हैंड फीड पे उठाते हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि बर्ड के पिन फेदर्स जो है वो आ गए हो, पिन फेदर्स जो है वो बर्ड के आ गए हो। पिन फेदर्स मैं समझा दूँ कि स्लाइड से, जिसे बिल्कुल जब बर्ड बॉर्न होता है तब वो बिल्कुल उसके ऊपर सिर्फ स्किन होती है, बिल्कुल भी ना रुवाटी होगी, मतलब रुवाटी होगी लेकिन वो बिल्कुल प्लेन हो गया होगा। हमारे पास है कुछ बर्ड्स ऐसे जो अभी तक का पिन फेदर्स नहीं आए हुए, वो हम ऐसा हो तो वीडियो में ऐड कर देंगे। तो आपको पिन फेदर पे आने के बाद जो है वो बर्ड को उठाना है, और अलग अलग बर्ड को अलग अलग टाइमिंग पे उठा सकते हैं। जितना छोटा बर्ड होगा, छोटा बर्ड जल्दी सेल्फ पे आता है, और जितना बड़ा बर्ड होगा, जैसे जस्ट लाइक अभी हम बात करें अफ्रीकन ग्रे वगैरह की, तो अफ्रीकन ग्रे जो है वो 3 महीने के बाद सेल्फ पे आता है, ठीक है। तो वो जितना बर्ड छोटा होगा, मीन्स जैसे लव बर्ड हो गया, बजीज हो गई, तो वो छोटी एज पे आप उठा सकते हैं। जितना बर्ड बड़ा होगा, जैसे अफ्रीकन ग्रे, तो वो आप बड़ी एज पे 25 दिन के बाद 30 दिन के बाद जो है वो उठा सकते हैं। सिंपली ऐसा करना है कि भाई उनके पिन फेदर्स के बाद आप उनको हैंड फीड पे ले सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ है। अच्छा, और अगर किसी को पिन फेदर फिर भी ना समझ में आ रहा हो तो कितने दिन का बच्चा अप्रोक्स, जितने दिन पिन फेदर आने में लगते हैं उससे क्या हम एक दो दिन इनको प्लस बोल सकते हैं? जैसे कि अगर पिन फेदर सपोज 13-14 दिन में आते हैं तो हम सेफर साइड किसी को बोल देंगे भाई 18 दिन के बच्चे को उठा लो, तो ऐसे बजीज में कितना दिन होगा, लवबर्ड में कितना दिन होगा?
देखिए अगर एग्जैक्ट अगर हम डेज की बात करें तो बजीज और लवबर्ड, जैसे बजीज आप 12 से 13 दिन के बच्चे जो है वो इजीली आप हैंड फीड पे ले सकते हैं, लवबर्ड जो है वो आपको मिनिमम 15 से 18 दिन जो है वो होल्ड करना चाहिए, ठीक है। बजीज के अलावा ये थोड़े अगर आप बड़े बर्ड्स में जाते हैं जैसे जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल कोकाटेल और कॉर्निश, कोकाटेल की अगर मैं बात करूँ तो कोकाटेल के लिए आप जितना होल्ड कर सको उतना बेहतर है। 20 दिन में तो बोलता हूँ अगर किसी का फोन आता है, हाँ 20 से 25 दिन अगर आप कोकाटेल के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बेहतर है। कॉर्निश आपको एटलीस्ट 20 दिन के बाद उठाना है तो बेहतर है, और 15 दिन के ऊपर भी आप उठा सकते हैं, लेकिन कोकाटेल अच्छा। ये जो दिन जो हम खींच रहे हैं ना उसका मेन रीज़न बताए, बिना रीज़न की कोई बात नहीं होती है। तो क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक होती है, जैसे जैसे वो अपने पेरेंट्स के पास रहता है, पेरेंट्स उसको फीड कराते हैं, पेरेंट्स जब उसको खुद पहले च्यू करेंगे उसके बाद वो अपने पोटे में से भर के फिर वो अपने चिक्स को खिलाएंगे, डाइजेस्ट किया हुआ होता है, वो डाइजेस्ट किया हुआ होता है, टेम्परेचर उनका मेंटेन होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बर्ड की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो आप जितना बर्ड को उसके पेरेंट्स के पास अपहोल्ड कराएंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। बिल्कुल, उसके इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, सर्वाइवल का चांस बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास बहुत छोटा बर्ड है लेकिन आपके पास अभी ऐसी सर्दी के अंदर उठाने के लिए कोई चांस कोई सिस्टम नहीं है, ब्रूडर वगैरह नहीं है आपके पास, तो आप उसको नहीं उठा सकते क्योंकि वो बच्चा जो है वो बाहर की ठंडी को सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो एटलीस्ट आपको उसको पिन फेदर्स या फिर तो थोड़े बहुत फेदर्स जो है वो आने के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, वो कब तक का पिन फेदर्स आते हैं, अलग अलग बर्ड्स का हमने कंडीशन बता दिया, पिन फेदर आने के बाद उठाना है। बिल्कुल, तो दूसरा सवाल था, दूसरे सवाल को उम्मीद करता हूँ आपको सही से जवाब मिल गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है या कुछ परचेज़ वगैरह भी करना हो तो आप डायरेक्टली फजल भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर इनका शेयर कर रहा हूँ, आखिर में भी नंबर शेयर करूँगा। काफ़ी सारे बर्ड्स इनके पास अभी भी अवेलेबल है, एनी टाइम बर्ड्स होते हैं। मैंने आपको इंट्रो में कुछ बर्ड्स दिखाए, आपको इंट्रो में आपने देखा होगा वो बर्ड्स इनके थे, यहाँ हमारे एग्जैक्टली सामने हैं। तो फजल भाई आपका नंबर शेयर करेंगे प्लीज़। मेरा नंबर है 7383047266, रिपीट कर रहा हूँ 7383047266। दोस्तों दो सवालों के जवाब आपको दे दिए, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, एपिसोड में आगे बने रहिए। और तीसरा सवाल मैं फजल भाई से पूछने जा रहा हूँ, फजल भाई के लिए मेरा तीसरा सवाल रहेगा। फजल भाई हमने ये तो जान लिया कि कितने एज के बच्चे को हैंड फीड पे उठाना चाहिए, अब हमें ये कैसे पता चले, तीसरा सवाल ये कि कितने दिन तक हैंड फीड करवाना चाहिए, मतलब लवबर्ड्स बजीज कॉकटेल सबका अलग अलग ड्यूरेशन होगा, कितने दिन तक उसको हैंड फीड हम करवा सकते हैं मैक्सिमम। देखिए इस पर भी जो है जैसे दिन की अगर हम बात करें तो इस पर भी वैरी करता है कौन सी स्पीसीज है, बर्ड टू बर्ड। बजीज है तो वो एक महीने के अंदर जो है वो आप उसको एक महीने तक उसके हैच होने के दिन से की बात कर रहा हूँ, जब से वो पैदा हुआ है उसके एक महीने तक जो है आपको उसको फीड कराना है। उसके बाद अगर हम बात कर ले हैं लवबर्ड की तो वो आपको 45 डेज़ के आसपास जो है वो आपको 40-45 डेज़ के आसपास फीड करवाना है। कॉर्निश अराउंड 50-55 डेज़ के आसपास। ग्रे जो है वैसे 3 महीने के आसपास जो है वो सेल्फ पे आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज़ ऐड करूँगा कि भाई अब मान लीजिए कि कोई बर्ड कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि भाई 45 डेज कोई भी एक पर्टिकुलर बर्ड को आपको फीड कराना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 45 डेज के ऊपर उसको छोड़ देना है। अफ्रीकन ग्रे को आपको 3 महीने कराना है। सिंपली बात यह है कि भाई बर्ड जितना छोटा रहेगा वो मजीद से स्टार्ट करे, एक महीने से लेके आपको 5 महीने तक की जो है वो फीडिंग आती है। कोई कोई मकाऊ के बारे में भी इंक्वायरी करते हैं तो मकाऊ का क्या सीन रहता है, उसको कितने टाइम तक करवाते हैं? देखिए मकाऊ और ग्रे ये दोनों जो है वो 3 महीने के बाद सेल्फ होना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फॉर उनकी अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छे ग्रोथ के लिए उनको 5 महीने तक फीड देना चाहिए एज एन सपोर्टिव फीड। उनको फीड भी देना है और साथ साथ में उनको सपोर्टिव फीड 5 महीने तक वन टाइम सिर्फ नाइट में फीड उसको रेगुलर बेस पर आपको देना है। तो देखिए ये आपको थर्ड क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि कितने दिन तक बर्ड को फीड कराया जाता है। बजीज को एक महीने जैसे कि बताया, लवबर्ड्स को 45 डेज, कॉकटेल छोटे कनूर हो गए तो उनको लगभग 2 महीने तक भी मतलब करवाते हैं। इस तरह बर्ड टू बर्ड डिपेंड करता है, आप जब कराओ तो इसी तरह आपको करना है। और चलिए चौथा सवाल आप पूछ लेते हैं, चौथा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है, सवाल कुछ तीसरे सवाल से मिलता जुलता ही रहेगा कि चलो अब हमने उसको हैंड फीड पे उठा ले, इतने दिन तक हैंड फीड कराया, चौथा सवाल ये कि हैंड फीड से सेल्फ फीड पे कैसे लाना है, एकदम से तो हम लाएंगे नहीं तो कैसे करना है, कि क्या बजीज के 30वां दिन होते ही फ़ौरन 31वें दिन बंद कर देना है, लवबर्ड का 45 डेज होते ही 46वें दिन बंद कर देना है, या कैसे करना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैं ऐसा पहले भी बता चुका हूँ
कि ये जो टाइमिंग होता है ये बर्ड की लाइफ का सबसे डेंजरस टाइमिंग होता है, जब वो हैंड फीडिंग से सेल्फ फीडिंग के ऊपर आता है। तो जैसे हमने पहले बताया कि भाई 30 डेज, तो 30 डेज पे आपको क्लोज नहीं कर देना है, 30 डेज आपको उसको कंटिन्यू कराना है। उसके बाद आपको सबसे पहले बर्ड की कंडीशन देखनी है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ग्रे की हम बात कर रहे थे, 3 महीने जो है उसको फीड कराना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 91 डेज के ऊपर हम उसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, कभी नहीं 3 महीने बोला था हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब मैं ही खिलाऊंगा। तो उसको हमें क्या करना है, देखिए बर्ड जब भी पूरा उसका वीनिंग कंप्लीट हो जाए, वीनिंग स्टेज का मतलब होता है उसके पूरे फेदर्स आ गए, एक बार बर्ड के पूरे फेदर्स आ गए, उसके बाद उसको आपको अलग अलग सॉफ्ट फूड है, अलग अलग वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसको रखना धीमे धीमे स्टार्ट करना है, केज में रखना स्टार्ट करना है, केज में रखना स्टार्ट करना है वीनिंग स्टेज के बाद। ओके, वीनिंग स्टेज यानी 3 महीने का पीरियड होने के बाद। ग्रे की बात करें तो 3 महीने का पीरियड होने के बाद, बचीस की बात करें तो 25 दिन के बाद, 1 महीने के पीरियड के बाद, 1 महीने के बाद। ठीक है, वीनिंग मीन्स बर्ड के पूरे पूरे फेदर्स आ गए हैं, उसको वीनिंग स्टेज बोलेंगे। तो वो स्टेज हो जाने के बाद आपको बर्ड को अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड खाना रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट सीड रख दिया और हो गया, नहीं, उसको आप सबसे पहले सॉफ्ट फूड रखिए, वेजिटेबल्स रखिए, अलग अलग फ्रूट्स रखिए, ये सारी चीज़ें अगर वो प्रॉपरली खा रहा है उसके बाद आप उसको सीड पे ले जाइए। लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सीड रख देते हैं, सीड आपको वो हार्ड चीज़ है, वेजिटेबल के बाद सीड पे। हाँ, सॉफ्ट फूड रखना है आपको, वेजिटेबल्स रखना है, फ्रूट्स रखना है, उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें वो थोड़ा बहुत खा रहा है, मुँह मार रहा है, तो उसके बाद आपको जो है उसको सीड्स देने हैं। और जब तक आपको ये 100% कन्फर्म नहीं हो जाता है, आप श्योर नहीं हो जाते हो कि आपका बर्ड पूरी तरीके से खाना खा रहा है, वहाँ तक आपको उसको एटलीस्ट 1 time at night आपको उसको फीड देनी है, लेकिन मिनिमम। मिनिमम मीन्स अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आप कॉन्यूर्स को 12 ml 15 ml फीड करा रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, तो आप बाद में भी 15 ml उसको दे रहे हैं, नहीं मैं तो उसको 15 ml दे रहा था, बट जैसे बड़ा होते जाता है उसका जो क्रॉप है वो संकुच जाते जाता है, यानी छोटा होते जाता है, उसके बाद भी आपने अगर उसको 15 ml दिया तो उसका बर्ड का जो क्रॉप इन्फेक्शन है वो होगा, आपको आपके बर्ड से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, उसको कम करते जाइए। अच्छा, लोग जनरली ये मतलब मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि भाई बर्ड बड़ा हो रहा है तो अंदर का वो उसका जो खाने का एरिया है वो भी बड़ा हो रहा होगा, तो हम फीड मतलब ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फीड 15 ml से करते करते 50 ml तक ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, राइट? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बर्ड वीनिंग स्टेज तक का ही उसका क्रॉप जो है वो मैक्सिमम साइज में रहता है, उसके बाद जो है क्रॉप छोटा होना चालू कर देता है। ठीक है, तो और उसको फिर मिनिमम आपको उसको कम करते जाना है, जैसे आप स्लोली स्लोली बढ़ाते गए थे, हाँ, उसके छोटे वाले एज से बड़े में वापस उसको आपको कम करना है, कम करना है, तभी आपका बर्ड जो आपके पास सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, बाद में वो जिस तरह अपने हिसाब से खा लेगा सॉफ्ट फूड, फिर अपने हिसाब से मैनेज कर लेगा वो, लेकिन आपको फीड कम करवाना है, आपको फीड उसको कम करवाना है। आप एक बार श्योर हो गए 100% के भाई हाँ मेरा बर्ड अब खा रहा है, अब खा रहा है, आप उसको ऐसा टच करोगे ना क्रॉप पे, आपको फील होगा फूड फूल गया है वो, हाँ, फूड जो है वो कायदे सर फील होगा, फिर आप श्योर हो सकते हैं कि भाई हाँ चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप हैंड फीड धीमे धीमे बंद कर सकते हैं। हैंड फीड एकदम से भी बंद नहीं करना, जैसे कि आपने बोला सपोर्टिव फीड रात को देना है उसको। लोग क्या करते हैं 1 time कभी भी दे देते हैं, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो मॉर्निंग में देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सपोर्टिव फीड रात को ही देना, सपोर्ट फीड रात को देना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, सपोर्ट फीड रात को देना चाहिए। उसका मीनिंग ये है कि भाई मान लीजिए कि बर्ड जो है वो पूरा दिन, सुबह में आपने उसको फीड दे दिया, उसको भूख ही नहीं है, अब वो क्या अब रात को खाएगा, नहीं, नहीं। तो वो रात का भूखा है, सुबह में आप उसको सॉफ्ट फूड दो, वो उसको भूखा है वो खाने की ट्राई करेगा, सॉफ्ट फूड दो उसको, आप अलग अलग पूरा दिन वेजिटेबल्स दो, अलग अलग खाना दो, वो खाने की ट्राई करेगा। एट नाइट अगर उसने नहीं भी खाया है तो आप उसको इतना फीड तो दे दोगे कि भाई वो सर्वाइव करेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसका लोग उल्टा करते हैं, मॉर्निंग में पेट भर के उसको फीड दे देते हैं, अब वो पूरा दिन खाना ही नहीं है क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ है, इच्छा ही नहीं होगी तो वो क्या सेल्फ फीड पे आएगा, सेल्फ फीड पे नहीं आएगा, सॉफ्ट फूड को हाथ लगाएगा। बिल्कुल, तो अगर आपको उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे और जल्दी सेल्फ पे लेना है तो इस तरीके से आप करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर। चौथा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो कवर कर दिया। पांचवा और सबसे आखिरी सवाल पूछेंगे आपका, उम्मीद करता हूँ अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप काफ़ी हद तक नॉलेज पा चुके हो इस चीज़ के बारे में। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, फजल भाई कैसे हम मतलब ये डिसाइड करें कि कौन से बर्ड के लिए कौन सा हैंड फीडिंग फार्मूला बेस्ट है, मतलब कैसे डिसाइड किया जाए और सबसे बेस्ट आप कौन सा इस्तेमाल करते हो? देखिए सबसे पहले तो मैं इसमें यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करूँगा कि हम जो है
वो यहाँ पे किसी भी ब्रांड को प्रमोट भी नहीं कर रहे, किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहे और किसी के साथ किसी को कंपेयर भी नहीं कर रहे। तो बताओ दोस्तों, एक खुद भी एक कंपनी है जिसका मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, उसके बारे में भी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा। जो जेन्युइन चीज़ है, जो बेस्ट रहेगी जो फजल भाई के हिसाब से, वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, तो हैंडफीड के लिए मार्केट में बहुत सारे हैंडफीडिंग फार्मूलाज अवेलेबल है, कुछ लोकल कंपनीज है, कुछ नेशनल लेवल पे है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर भी है। मैं बार बार ये चीज़ को बोलता हूँ, मेरी कुछ चीज़ें जो है वो रिपीट होती है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ कि आप बर्ड को जो चीज़ दोगे, बर्ड आपको वो चीज़ रिटर्न में देगा, ठीक है। चाहे वो आप फीडिंग हो, चाहे वो आपको प्यार हो, ठीक है, बर्ड आपको वो रिटर्न करता है और बढ़ा कर ही देता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। सो हैंडफीड फार्मूला जो है वो आपको आपके बर्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप कोकाटेल को फीड करा रहे हैं, हम बेसिक बर्ड की बात कर रहे हैं, कोकाटेल को फीड करा रहे हैं। अब कोकाटेल को आप हाई प्रोटीन हाई फैट का फार्मूला अगर फीड कराते हैं तो कोकाटेल उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छा फूड दे रहे हैं, बट वो उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए कि आप कॉर्न्यूर्स को हैंड फीड करा रहे हो, तो कॉर्न्यूर्स को आप हैंड फीड करा रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिएगा हाई फैट, ठीक है। अब उसके लिए आप अगर कोई लोकल फूड यूज़ कर रहे हैं, आपका कॉर्न्यूर्स बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसका जो ग्रोथ होना चाहिए, जिसकी साइनिंग होनी चाहिए, उसका जो वेट होना चाहिए, वो गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको फैट चाहिए, ठीक है। ग्रे की बात करें, वो हाई फैट वाला है, उसको हाई एनर्जी चाहिए, उसको ज़्यादा फैट चाहिए होगा, उसको फैट ज़्यादा चाहिए। इवन हैंड फीड फार्मूला के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती जो अपने वो काजू बादाम उसको एक्स्ट्रा भी पीस के मिलाने पड़ेंगे, राइट जी। कुछ हैंड फीडिंग फार्मूलाज है, जैसे लोकल में भी अगर आप हैंड फीड फार्मूला लेते हैं, मैं एक छोटा सा यहाँ पर हिंट दूँ, ये हिंट मीन्स एक टिप्स दे सकता हूँ। अगर आप कुछ हैंड फीड फार्मूला ऐसे भी यूज़ करते हैं जो मार्केट में चीप लेवल पे है, तो आप उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी जिससे उसकी जो उणप है, उसकी जो कमी है, वो आप दूर कर सकते हैं। फीडिंग फार्मूला के अंदर जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, जस्ट फॉर एक एग्जांपल के मान लीजिए कि आप कोई ऐसा फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें फैट कम है, तो आप फैट बढ़ाने के लिए हैंड फीडिंग फार्मूला के अंदर कुछ ऑयल्स है, ठीक है, वो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ जैसे नट्स वगैरह हो गए, जैसे हम काजू बादाम से ज़्यादा जी कुछ लोग ये ज़रूर यूज़ करते हैं, बट मैं अगर मैं कम बजट की बात करूँ तो जैसे सिंग आती है, पीनट लेकिन कच्ची वाली, उसको थोड़ा सा रोस्ट करके अगर आप उसको उसका क्रश करके अगर आप उसको मिला दें तो वो प्रोटीन हाई हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट कितना हुआ है, कितनी मात्रा हुई है, क्या है, तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है जी। जैसे मैं मेरी बात करूँ, थोड़ा सा कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि A19, तो उसका नाम A19 क्यों है, नहीं मुझे भी आइडिया नहीं है, सच बताऊँ। हाँ, तो उसके अंदर अलग अलग है, जैसे वर्सेला लगा कि प्रोडक्ट है न्यूट्रीबर्ड की, A19 है, A18 है, A21 है, अलग अलग है, ठीक है। तो वो असल में उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, उसके ऊपर से उसको नाम दिया गया है। आप कभी A19 का बॉक्स देखोगे, जैसे है हमारे पास अवेलेबल, तो उसमें आप देखोगे ना, तो A19 मीन्स उसके अंदर प्रोटीन जो है वो 19% है, A21 उसके अंदर जी। तो वो हुआ था, मेरे एक फ्रेंड है, उनके किसी पार्टनर ने कॉकटेल्स को एकदम से A19 खिला रहे थे, फिर वो ख़त्म हो गया तो A21 देना स्टार्ट कर दिया, तो एक साथ उनके 20 कॉकटेल के बच्चे मर गए थे। तो प्रोटीन की मात्रा ऊपर नीचे होती है तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जो पहले से चला रहे वही चलाइए, एकदम से चेंज मत करिए, राइट जी। जैसे कॉकटेल है तो कॉकटेल के लिए A21 इज़ द बेस्ट, कॉर्न्यूर्स है A19 मैं प्रिफर करता हूँ। इसके अलावा मान लीजिए कि भाई आप ग्रे और बड़े बर्ड्स जैसे मकाऊ वगैरह है, तो आप उसको A19 हाई एनर्जी खिला सकते हैं, हाई एनर्जी एक अलग आता है उसका। हाँ, A19 काफी सारे मतलब वेरिएंट्स होते हैं, वेरिएंट्स बहुत सारे, तो मुद्दा ये है, आप लॉरी को खिला रहे हैं तो आप A18 खिलाइए, A18 ठीक है। तो मुद्दा ये है कि भाई आप आपकी बर्ड की ज़रूरत को समझो, ज़रूरत को समझना पड़ेगा। अगर सपोज किसी को जावा को हैंड फीड पे उठाना है, बजीज को हैंड फीड पे उठाना है या लवबर्ड्स को हैंड फीड पे उठाना है, तो उसके लिए कोई बेस्ट हैंड फीडिंग फार्मूला आप रिकमेंड अगर कर सको तो। देखिए, मैं अगर ऑल ओवर अगर आप बात करें, ऑल ओवर अगर अगर आप सभी बर्ड को खिलाना चाहें, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई A19 एक अच्छा फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। बट दूसरे फार्मूलाज ख़राब है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है कि हम कौन से मेथड से फीड करा रहे हैं। ठीक है, आप फॉर्मूला तो मस्त यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आप A19 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसको गर्म गर्म पानी के अंदर ऐसे मिक्स करके डाल देते, उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू आप वहीं ख़त्म कर देते, कोई मतलब नहीं है। तो आप कौन से मेथड से आप उसको हैंड फीड करा रहे हैं, अगेन इम्पोर्टेंट। अच्छा आइडिया है यहाँ पर फजल भाई के पास, हम नेक्स्ट वीक या इंशाल्लाह दो हफ्ते बाद दोबारा आएंगे। हैंड फीड कैसे कराते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर लाइव आपको करके दिखाएंगे, क्या बोलते हो फजल भाई, एग्री? श्योर आई एम एग्री। तो देखिए मैं ऐसी चीज ये मेंटेलिटी में रखने वाला हूँ, मानने वाला हूँ कि भाई अगर आप किसी को नॉलेज शेयर करते हैं तो आपका नॉलेज कम नहीं होगा। या फिर तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये चीज़ सब सोशल मीडिया पे बताने वाली चीज़ नहीं है, इसको नहीं बताना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लोग सीख जाएंगे, अपना धंधा चौपट होता है। मैं कुछ उस टाइप की मेंटालिटी रखने वाला हूँ कि देखिए मान लीजिए आपको हैंडफीड सीखनी है, आप कहीं से भी सीख लोगे, ज़रूरी नहीं है आप मेरे से सीखोगे। अगर आपको सीखनी है आप कहीं से भी सीख लोगे, बराबर। अगर आपको नहीं सीखनी है तो मैं कितना भी सिखा दूँ आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, हम सबको पता है कि वॉक करना दौड़ना अच्छी चीज़ है, हाँ। लेकिन करते नहीं है, क्यों नहीं करते? जिसको करना होगा, जिसको करना होगा बिना भी कर लेगा, वही करेगा। तो अगर किसी को सीखना है तो मैं उसके साथ साथ अपना नॉलेज भी शेयर करना चाहता हूँ कि उसके सीखने में कहीं ना कहीं 0.5% 1% मेरा भी कुछ योगदान रहे। अगर वो सीखने वाला ही है, वो कहीं से भी सीखेगा, तो क्यों ना कहीं मेरा भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल हो या कुछ छोटा मोटा रोल हो, तो मैं ये कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। एक बात तो ये भी रही, और दूसरी बात थोड़ी स्पिरिचुअल बात करना चाहूँगा कि भाई अगर आपके वजह से अगर कोई सीख रहा है, किसी का बर्ड मतलब बच रहा है, तो उसकी दुआ वगैरह मिलेगी, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपका भी भला करेगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ आगे जाके आपके काम आने ही वाली है। ऐसा कोई चीज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती, आगे जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके काम आएगी। आप किसी का अच्छा करिए, ऑब्वियसली आपका भी अच्छा दोस्तों होगा ही होगा। तो चलिए आज ये छोटा सा एपिसोड बनाया था हमने, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखा होगा आपने इससे। सीखा है तो लाइक करके जाइए, पहली बार चैनल पे हो सब्सक्राइब करके देखिए, इस तरह के पॉडकास्ट एपिसोड आते रहेंगे, हम लोग एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। हमारे चैनल पर कोशिश रहती है, हम जो है दोस्तों यहाँ पर किसी का सेटअप अगर सेल के लिए है या किसी के पास कुछ चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर जाकर उनका भी वीडियो बनाए, और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचाएँ, ताकि हर चीज़ आपको एक ही जगह मिल जाए। और कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोज़ भी हम बनाते हैं, जैसे कि हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है उसमें मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ, एक मैंने प्रैंक चैनल भी खोला है जिसपे मैं प्रैंक भी करता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सीक्रेट है, वो मैं नहीं बताने वाला अभी, क्योंकि फिर वहाँ पे बर्ड्स की ऑडियंस आ जाएगी, फिर वो उसमें मिक्स हो जाता है पूरा, फिर लोग वहाँ पर भी बर्ड की डिमांड करने लगते हैं, प्रैंक चैनल पर भी बर्ड की डिमांड करने लगेंगे, तो ऐसा हो जाता है। तो चलिए खैर, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा एपिसोड, एक दो हफ्ते बाद दोबारा आएंगे फजल भाई के पास, प्रैक्टिकल हम देखेंगे कि बर्ड को हैंड फीड कैसे किया जाता है, कैसे अलग अलग मेथड है जिससे हैंड फीड करवा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।